प्रकृति डाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए एकजुट हुए हैं, कोई मोदी जी को हराने के लिए नहीं, उस सोच को हराने के लिए जो देश को बांटना चाहती है उसके लिए हम लोग एक हुए हैं। कई सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है ईडी सीबीआई के जरिए, डरा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। जहां सच नहीं केवल झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, संविधान लोकतंत्र पे खतरा है, वहां आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी लोगों को जोड़ने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, अमन चैन भाईचारा कायम करने के लिए, नफरत को हराने के लिए इन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा किया है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद इनको देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं। और यहां बैठे हुए सभी महागठबंधन और इंडिया अलायंस के जो भी हमारे नेता हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस दौर में जहां पूरी ताकतें लगाई गई हो, डराया जा रहा हो, लोगों को लालच दिया जा रहा हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के इस देश के संविधान और लोकतंत्र भाईचारा और जो इस देश की खूबसूरती, हमारी लड़ाई व्यक्तिगत मोदी जी से, अमित शाह जी से नहीं है। हम लोग तो हमेशा से उन विचारधारा के लोगों से लड़ाई लड़ने का काम किए हैं जिन्होंने हमेशा से, जिनका आजादी में कोई योगदान ना रहा हो, जो तिरंगा ना फहराए हो अपने दफ्तर पे, और आज कहते हैं वो देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं। अरे मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर अपना दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, आज गरीबी है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। आज मुद्दे की बात नहीं होती, मोदी जी समुद्र के अंदर चले जाएंगे, कारपेट बिछा करके बैठ जाएंगे, उसकी चर्चा होती है, लेकिन किसान भाइयों का आय दुगुना का वादा किया था। जब हम लोग सवाल पूछते हैं, राहुल जी सवाल पूछते हैं, क्या हुआ 2 करोड़ रोजगार का, क्या हुआ 15-15 लाख का, तब ये गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं। और पटना की जो रैली हुई, 10 लाख से भी ज्यादा लोग आए पटना में, जन विश्वास रैली हम लोगों ने किया, और आज का जो जन सैलाब देकर के फिर से मीडिया के लोग और भाजपा के लोग एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ेगा। अरे डरने वाले लोग नहीं है यहां, हम लोग लड़ने वाले हैं, अपने लिए नहीं आपके लिए लड़ने आए हैं, आपकी लड़ाई लड़नी है। इसलिए हम ये पैगाम लेकर के आए लालू जी का, डॉक्टर के सलाह पे ज्यादा घूमने से मना किया गया है, लेकिन लालू जी अभी भी तैयार हैं मोदी जी का दवाई करने के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा,
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।